मैं हूं किशोर और किशोर मिक्स आर्ट्स चैनल में आप लोगों को स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। बाजार में जो प्रोपेलर मिलता है दोस्तों, वो सब ऐसे ही एक बार प्लेन गिरने से टूट जाता है, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक प्रोपेलर एक वुड प्रोपेलर घर पे ही बना लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस वुड प्रोपेलर को मैं बना लिया आज, और ये मैंने कैसे बनाया ये आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, और उससे पहले मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए तो नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों मैं एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया हूँ, उसमें से 8 इंच पे मैं एक मार्किंग कर लिया और 4 इंच पे एक और मार्किंग कर लिया। 4 इंच में एक 8 इंच पॉपुलर को बनाऊंगा, इसके सेंटर होगा 4 इंच, तो 4 इंच पे भी मैं एक मार्किंग कर लिया हो। अब दोस्तों 8 इंच इस लकड़ी को मैं यहाँ से काट रहा हूँ। इस लकड़ी का मोटाई है 1/2 इंच, चौड़ाई है 1.25 इंच। तो इस लकड़ी के ऊपर मैं प्रोपेलर जैसा मार्किंग कर लिया हूँ दोस्तों। मशीन की हेल्प से सैंड से मैं इस लकड़ी को घिस घिस के एक प्रोपेलर बनाऊंगा। ये काम बहुत सावधानी से कीजिएगा दोस्तों। अगर ये इस मशीन को आप पहले कभी नहीं चलाया है तो इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप फिर भी इसको बनाना चाहते हो तो आपके आसपास, आपके घर के आसपास कोई भी फर्नीचर की दुकान हो वहाँ से जाके आप इस वीडियो को दिखा के उस मिस्त्री की हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए।
तरह से मैं लगभग इसको बना के रेडी कर लिया। आप थोड़ी सी और फिनिशिंग देने के लिए मैं सैंडपेपर से घिस घिस के मैं इसका और भी थोड़ा सा फिनिशिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत फटक से हो गया दोस्तों, नहीं दोस्तों, ये इसको बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और इस वीडियो का अच्छा लगे तो दोस्तों के अंदर जरूर शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी ये बन के रेडी हो गया। अब दोस्तों इस पतले वाले होल को मैं थोड़ा सा मोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, और उसके अंदर इस बिट को लगा लिया। अब दोस्तों इस ड्रिल मशीन के साथ में चला के देखूंगा। मेरे हाथ में जो ड्रिल मशीन आप देख रहे हो, ये ड्रिल मशीन मैं खुद बनाया हूँ दोस्तों। अगर आप इस ड्रिल मशीन का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना, और मेरे चैनल पे भी जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस ड्रिल मशीन के साथ इस प्रोपेलर को लगा के एक बार देख रहा हूँ दोस्तों कि ये वाइब्रेट ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। अगर थोड़ी सी भी टाल इसमें रहेगा तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। अब दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर बार्निश लगाऊँगा। मेरे पास वुड बार्निश तो नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल के कपाल करके कॉइल के ऊपर जो बार्निश लगाते हैं, यही बार्निश में मेरे पास था, तो मैं उसी बार्निश को मैं इस प्रोपेलर के ऊपर इस तरह से लगाऊंगा। दोस्तों मैं इस बार्निश को इस तरह से लगा रहा हूँ ताकि लगे कि ये बाहर से मैं इसको खरीद के लाया हूँ, ये बिल्कुल होममेड नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं इस बार्निश को मैं लगा रहा हूँ। अब दोस्तों इस बार्निश लगाने के बाद धूप में 5-6 घंटे में सूखने के लिए इस धूप में रख दिया हूँ दोस्तों। लगभग 5-6 घंटा हो चुका है, अब ये बिल्कुल बार्निश सूख चुका है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।